Hello everyone, welcome back to Physics Ventum. Guys, my name is Manisha and again I am back with another video. आज हमारा 30 days challenge का day 12 है. First of all, तो I really very sorry, जो इससे पहले वाली videos है ना, उनमें last की 3-4 videos में मैंने जो numbering है ना, उसकी बहुत बड़ी mistake कर दी. I mean, topics कोई repeat नहीं हुए हैं, लेकिन जो मैंने numbering बोली थी ना कि day 12, day 11, तो उसमें मैं थोड़ा सा confused हो गई, और जिसकी वजह से मतलब एक में confusion हुई और बाकी की 3-4 videos में ना जो numbering थी वो गलत बोल दी. वैसे आज हमारा day 12 है और यहाँ से बिल्कुल करेक्शन आपको मिलेगी. बाकी जो वीडियोज थी उसमें मैंने थंबनेल में बाकी सब जगह ठीक पोस्ट किया है, बस रिकॉर्डिंग के टाइम पे ही थोड़ा सा ये दिक्कत हो गई थी मुझे. आज हमारा डे 12 है. सो जो एनर्जी वर्क पावर एनर्जी जो हमने स्टार्ट किया हुआ है उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे. आज मैं आपको एनर्जी ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दूंगी. न्यूमेरिकल्स आपकी प्रैक्टिस के लिए रह जाएंगे, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में या फिर जो मतलब एक बार आपके कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में मैं आपको करवा दूंगी. आज हम एनर्जी को आगे कंटिन्यू करते हैं. गाइस, जो एनर्जी है मैंने आपको ना इसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स बताई थी. डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स मतलब कि जैसे एनर्जी की बहुत सारे टाइप्स होते हैं. मैकेनिकल एनर्जी हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, तो इस तरीके से मैंने एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स फॉर्म्स ऑलरेडी समझा दिए हैं. एनर्जी क्या होता है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको करवा चुकी हूँ, लेकिन आज हम उसी टॉपिक को आगे करेंगे. इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं. फर्स्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकेंड वन इज काइनेटिक एनर्जी. तो एक बार देखिए बोर्ड पे मैंने लिख दिए दोनों चीज़ें. मैकेनिकल एनर्जी इज क्लासिफाइड इनटू पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी. जो मैकेनिकल एनर्जी है उसे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्लासिफाइड किया गया है या डिविजन है इसका. पोटेंशियल एनर्जी, सपोज आपको कोई बॉडी दे रखी है जिसका मास m है और हाइट h दे रखी है अबव द अर्थ सरफेस, तो उस टाइम पे अगर आपको उस बॉडी की या ऑब्जेक्ट की आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी तो आप mgh लेते हैं. यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, mgh. इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी है, मतलब कि ये मोशन के ऊपर डिपेंड करती है किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी के मोशन. मोशन का मतलब होता है गति. और इसको और थोड़ा मतलब, ये तो खैर मैंने हिंदी में बता दिया, इसका मतलब ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट या बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे डिस्प्लेस किया गया है. अब वो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है, उसके ऊपर जो मोशन होता है वो डिपेंड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट का. नाउ जो मोशन है ना, मोशन जो होता है या काइनेटिक एनर्जी, तो ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं. फॉर्मूले में भी आपको ये चीज़ समझ में आएगी. काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी के ई से लिखते हैं, के स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एंड ई फॉर एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. तो यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. हाफ हाफ ही होता है मतलब 1/2 हो गया, सॉरी. एम फॉर मास एंड वी स्टैंड्स फॉर मोशन, वेलोसिटी. तो ये आपके पास में फॉर्मूला है, इसको आप कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, मतलब ये जो फॉर्मूला है ना एम जी एच हो गया या फिर काइनेटिक एनर्जी, तो दोनों ही फॉर्मूलेज में आपसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं. सपोज आपको पोटेंशियल एनर्जी दे दी हो और उसके बाद में आपको उसका मास या फिर हाइट कैलकुलेट करने के लिए जो रेयरली पूछा जाता है, अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी आपको दे दी जाए और फिर आपसे वी मतलब वी या मास के बारे में कुछ पूछ लिया जाए तो आप वैल्यूज को पुट करके इससे निकाल सकते हैं. अदरवाइज अगर आपको मास और वी दे रखा है तो आप काइनेटिक एनर्जी को बहुत ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, और मास और हाइट आपको गिवन है तो आप पोटेंशियल एनर्जी को भी बहुत ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर हो गई होगी. फर्स्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी और सेकेंड वन इज काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली एक तरीके का पोटेंशियल होता है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो कि स्टोर होता है फॉर फ्यूचर पर्पस. तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी. नाउ काइनेटिक एनर्जी के लिए जो मैंने स्टेटमेंट बोली वो देखिए, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी इन मूविंग ऑब्जेक्ट्स और मास. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट या फिर मास के ऊपर ये डिपेंड करती है, जिसके अंदर इंक्लूडिंग है मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी में दो मेजर टाइप्स इंक्लूडेड है, मैकेनिकल एंड काइनेटिक एनर्जी. इसके बाद में नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब होता है, जैसे कि जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं या फिर कोई भी जब साइंस में आप बेसिक फैक्ट्स वगैरह पढ़ते हैं तो उनसे ना रिलेटेड कुछ लॉज होते हैं. मतलब कोई आपने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी तो वो किस तरीके से आप उसको डिफाइन करेंगे और जो उसके लिए आपने डेफिनेशन दी वो कितनी वैलिड है, किस तरीके से, किस किस सेंस पे, मतलब विदाउट प्रैक्टिकल और विदाउट एक्सपेरिमेंट साइंस बिल्कुल भी इनकम्प्लीट हो नहीं सकती. तो ये हमेशा इनकम्प्लीट रहेगी जब तक इसमें लॉज और कुछ एक्सपेरिमेंट्स नहीं आ जाते.
तो जैसे ये एनर्जी का कंसेप्ट है, इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दे रखा है आपको। ये इसको मतलब एक तरीके से ये जो एनर्जी वाला कंसेप्ट है ना गाइज, इसको पूरा कंप्लीट करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है, मोमेंटम भी है, लेकिन यहाँ पे हम एनर्जी वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये हो गया, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इट मीन्स कि जो एनर्जी है उसे ना आप क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फिर करेंगे क्या एनर्जी का, ये भी तो क्वेश्चन है कि नहीं है दिमाग में। देखिए, एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हर एक ऑब्जेक्ट में, मास में, सॉरी हर एक ऑब्जेक्ट या बॉडी के अंदर अपनी एक एनर्जी स्टोर होती है, और फिर जब उसमें रिएक्शन होती है तो वो एनर्जी किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मानिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी व्हीकल, मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको, कोई भी जो व्हीकल है उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी स्टोर है, ओके, पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर हो सकती है, लेकिन जब आप उसको मोशन में लाते हैं तो मोशन में कौन सी एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी, मतलब कि जो एनर्जी का कंजर्वेशन हो गया, एक एनर्जी स्टोर्ड है, उसके बाद में उसमें कोई एक्टिविटी हुई। एक्टिविटी का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की स्टेट में या सिचुएशन में पॉजिटिव चेंज लाना, तो वो क्या हो गया, उसमें आपने चेंज लेकर आया, तो वो क्या होता है उस टाइम पे कि जो एनर्जी है ना वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फॉर्म्स बताई थी एनर्जी की, जो इससे पहले वाली वीडियो के पार्ट में आपको मिल जाएंगे, आप वहां से इसको चेक कर सकते हैं। और कहाँ चेक करेंगे, प्लेलिस्ट में जाइएगा, और 30 डेज चैलेंज के नाम से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करी है, उसमें आपको ये चीज दिख जाएगी। नाउ इसके बाद में टॉपिक आता है, देखिए इसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंक्लूड होती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमको क्या कहता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। एट लास्ट दिस इज नॉन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और जो ये पूरा प्रोसेस है, मतलब कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसे ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है, ये सारी स्टेटमेंट्स को जो चीज वेरीफाई करती है उसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसके बाद में गाइस, एनर्जी में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल। वैसे तो जब आप सोर्सेज वगैरह पढ़ते हैं तो उस टाइम पे आपने देखा होगा कुछ चीज़ें रेन्यूएबल होती हैं, कुछ चीज़ें नॉन रेन्यूएबल होती हैं, मतलब कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं नेचर में जिनको आप दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिसको आपने एक बार खत्म कर दिया तो वो दोबारा क्रिएट नहीं हो सकते। जैसे हमारे पास कुछ सोर्सेज होते हैं जिनको अगर एक बार ख़त्म हो जाए तो आप दोबारा से रिक्रिएट कर सकते हैं, दोबारा उनको यूज़ में ला सकते हैं, ऐसे ही बहुत सारी ऐसी फॉर्म्स होती हैं एनर्जी की जो अगर एक बार ख़त्म हो जाए तो उसको दोबारा से क्रिएट किया जा सकता है, और कुछ ऐसी फॉर्म्स होती हैं जो एक बार अगर ख़त्म हो गई तो उसे दोबारा से, उस टाइप की एनर्जी को दोबारा बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और इन केस अगर दोबारा उसे बनाते भी हैं तो उसी टाइप के सोर्सेज की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो सोर्सेज ख़त्म हो गए तो आप उस एनर्जी को दोबारा नहीं कर सकते। काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। हमारे पास दो फॉर्म्स होती है एनर्जी की, फर्स्ट वन इज रेन्यूएबल एंड सेकंड वन इज नॉन रेन्यूएबल। रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होता है जिसे आप दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं, और नॉन रेन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी वो होता है जिसे आप दोबारा से क्रिएट नहीं कर सकते, या फिर जिनको क्रिएट होने में दोबारा से बहुत बहुत ज्यादा टाइम प्लस बहुत ज्यादा सोर्सेस लग जाते हैं। तो विद एग्जांपल इस चीज को समझते हैं गाइस। देखिए, रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी विच कैन बी रिप्लेनिश वंस दे आर यूज्ड अप मुझे लगा मैंने लिखा नहीं इसलिए मैं इतना ध्यान से देख रही थी, मतलब कि एक बार उनको यूज कर लिया उसके बाद भी आप अगर वो खत्म हो जाते हैं तो दोबारा से आप उसको रीजनरेट कर सकते हैं, उसे हम रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विंड एनर्जी हो गया, वाटर एनर्जी है, या फिर सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी तो वैसे इसका तो कोई सोर्स लगता ही नहीं कि ये खत्म हो सकती है कभी, क्योंकि गर्मी डे बाय डे बढ़ी रही है। तो सोलर एनर्जी हो गई, सनलाइट की वजह से आप बना पाते हैं, और आपने देखा भी होगा गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट करे हैं जहाँ पे सोलर एनर्जी का यूज किया जा रहा है, क्योंकि बाकी फॉर्म जो होती है एनर्जी की उसको जनरेट करने में थोड़ा ज्यादा टाइम प्लस सोर्सेज भी एक्स्ट्रा लगते हैं। इसके अलावा वाटर एनर्जी है, वाटर एनर्जी जो वाटर से आप एनर्जी को क्या करें, क्रिएट करें। इसके अलावा विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी
और वाटर एनर्जी, ये दोनों को भी दोबारा रिक्रिएट किया जा सकता है, बट एक लिमिट में इसको रिक्रिएट किया जा सकता है। क्योंकि जैसे अभी आप वाटर की ना बहुत ज्यादा सेक्रेसिटी देख रहे हैं कि वाटर की बहुत शॉर्टेज हो रही है, बहुत से एरियाज ऐसे हैं दिल्ली में इवन कि जहां पे वाटर की सप्लाई रोक दी गई है, ज्यादा टाइम तक पानी आता नहीं है और कई कई दिनों तक पानी नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत टाइम से कई जगह पे हो रहा था, लेकिन अभी ये चीज आपको ज्यादा देखने को मिल गई होगी। प्लस लाइट का भी सेम चीज है कि लाइट भी अब ज्यादा मतलब इतनी ज्यादा नहीं आ रही है रेगुलर बेसिस पे जितनी पहले रहती थी। तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये सब इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि इनके सोर्सेज जो है ना वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो अब जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं उसको अगर हम प्रोटेक्ट कर पाए तो हो सकता है कि बाद में हमें इतने ज्यादा क्राइसिस ना फेस करने पड़े। लेकिन जिस तरीके से, जिस शिद्दत से हम लोग इन सोर्सेज को यूज कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं ना, तो हो सकता है कि जल्दी इन चीजों की हमको कमी पड़ जाए। वैसे मैं कुछ नेगेटिव नहीं बोलना चाहती थी, वेल डरिए मत, अभी जो है उसको जी लीजिए, क्या कर सकते हैं इसमें। नाउ रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आपको समझ में आ गया, जो एक बार खत्म हो जाए तो उसके बाद में आप दोबारा उसको क्रिएट कर सकते हैं, वो होता है रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके बाद में आता है नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब ये कि जिसको आप दोबारा से क्रिएट नहीं कर सकते हैं। जैसे नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या आता है, विच वंस यूज्ड अप कैन नॉट बी रिप्लेस्ड वंस आर कॉल्ड। तो मतलब कि जो दोबारा से, एक बार अगर आपने उनको खत्म कर दिया तो दोबारा से वो क्रिएट नहीं हो सकते हैं, या अगर उनको क्रिएट दोबारा किया जाए उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसमें एग्जाम्पल है आपके पास में जैसे कोल और पेट्रोलियम एक्सेट्रा। तो कोल और पेट्रोलियम का आपको पता है पेट्रोलियम को बनने में ना बहुत बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, पेट्रोलियम से ही बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं। और कोल की तो सेक्रेसिटी आपको पता है, कोल के कितने क्राइसिस हो रहे हैं, बहुत कम लेवल पे कोल हो गया है क्योंकि हम लोग क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है, तो हमें कोल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। और जितनी हमको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इसके जो सोर्सेज हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो गाइस ये आपका एनर्जी का टॉपिक कंप्लीट हो गया। टाइप्स ऑफ एनर्जी मैंने करवा दी है, क्या होती है एनर्जी, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, फॉर्म्स कौन कौन सी है एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का ट्राई था मेरा। वैसे आपको समझ में आया नहीं आया ये मुझे पता चलेगा जब आप मुझे कॉमेंट करेंगे, अदरवाइज तो मैं अपने ख्यालों में कि हाँ शायद समझ आ गया होगा, देन देख लीजिएगा आपको कॉमेंट करना है या नहीं करना। मेरी तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ क्या कीजिए कॉमेंट, वीडियो आपको जैसी भी लगती है, और लाइक भी क्या कीजिए, लाइक करेंगे ना तो मेरी वीडियोज़ ऊपर ऊपर आ जाएंगी, ऐसा आपको सबको ही पता होगा वैसे तो। और सेकेंड थिंग इज कि जो फॉर्म है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये समझा दिया मैंने। इसके अलावा जो रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ये भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये जो था आज का डे 12 था, अब हम डे 13 पे मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइज़।